नमस्कार दोस्तों, भारत की शानदार जीत के साथ ही बदल गई वर्ल्ड कप 2023 की पूरी पॉइंट टेबल और न्यूजीलैंड की टीम को हुआ बहुत ही बड़ा नुकसान। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे कि वर्ल्ड कप 2023 की नई पॉइंट टेबल क्या है और टीम इंडिया अब किस स्थान पर पहुंच गई है। लेकिन उससे पहले, अगर आप रोहित शर्मा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, वर्ल्ड कप का आज 21वां महामुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया। इस मुकाबले में भारत ने पहले टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया और टीम इंडिया का यह निर्णय बहुत ही सही साबित हुआ, जिसमें टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने आई न्यूजीलैंड की टीम भी कुछ खास शुरुआत नहीं रही और न्यूजीलैंड की टीम ने 50 ओवर में मात्र 273 रन बनाकर टीम पूरी तरह से ऑल आउट हो गई, जिसमें न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे अधिक रन उस टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी डेरियन मिचेल ने शानदार 130 रन की पारी खेली और टीम के लिए इतने रनों तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो वहीं भारत की तरफ से सबसे अधिक विकेट मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी की और भारतीय टीम के लिए 5 विकेट लिए। तो वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शानदार शुरुआत रही और भारतीय टीम ने लक्ष्य हासिल करके लगातार वर्ल्ड कप में 5वीं जीत दर्ज की है। तो भारत की जीत के साथ ही वर्ल्ड कप 2023 की नई पॉइंट टेबल कुछ इस प्रकार की दिखाई दे रही है, जहां पर आखिरी पायदान पर अब अफगानिस्तान की टीम पहुंच चुकी है, जिसने अभी तक वर्ल्ड कप में 4 मुकाबले खेले हैं और उसे मात्र 1 में जीत दर्ज हुई है तथा 3 में हार का सामना करना पड़ा है। टीम के पास मात्र 2 अंक है। तो वहीं 9वें स्थान पर इसी हार के साथ की इंग्लैंड की टीम पहुंच गई है, क्योंकि इंग्लैंड ने अभी तक वर्ल्ड कप में 4 मुकाबले खेले हैं और उसे मात्र 1 में जीत दर्ज मिली है तथा 3 में हार का सामना करना पड़ा है और टीम के पास मात्र 2 अंक है। तो वहीं 8वें पायदान पर श्रीलंका की टीम मौजूद है, जिसने वर्ल्ड कप में अभी तक 4 मुकाबले खेले हैं और श्रीलंका को 4 में से 3 में हार तथा 1 में जीत दर्ज हुई है और टीम के पास मात्र 2 अंक है। तो वहीं 7वें पायदान पर नीदरलैंड की टीम मौजूद है, जिसने वर्ल्ड कप में अभी तक 4 मुकाबले खेले हैं और उसे भी 3 में हार तथा 1 में जीत दर्ज हुई है तथा टीम के पास और 2 अंक है। तो वहीं 6वें पायदान पर अभी भी बांग्लादेश की टीम मौजूद है, जिसने वर्ल्ड कप में 4 मुकाबले खेले हैं और टीम के पास मात्र 2 अंक है। और ऑस्ट्रेलिया की टीम 5वें पायदान पर पहुंच गई है, जिसने ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक वर्ल्ड कप में 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उसे 2 में जीत तथा 2 में हार का सामना करना पड़ा है और टीम के पास 4 अंक है। तो वहीं 4थे पायदान पर अभी भी पाकिस्तान की बेहतर रन रेट के कारण टीम बनी हुई है, क्योंकि टीम ने अभी तक 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उसे 2 में हार तथा 2 में जीत नसीब हुई है और टीम के पास 4 अंक है। तो वहीं 3रे स्थान पर साउथ अफ्रीका की टीम है, जिसने आज जीत दर्ज करके 3रा स्थान पर और मजबूती प्रदान की है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने अभी तक 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उसने 3 में जीत दर्ज की है तथा 1 में हार का सामना करना पड़ा है और टीम के पास 6 अंक है। तो वहीं 2रे स्थान पर न्यूजीलैंड की टीम है, जिसने अभी तक वर्ल्ड कप में 5 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उसे 4 में जीत तथा 1 में हार का सामना करना पड़ा है और टीम के पास 8 अंक है। तो भाई इसी जीत के साथ अब टीम इंडिया पहले स्थान पर पहुंच गई है, क्योंकि भारतीय टीम ने भी वर्ल्ड कप में अभी तक 5 मुकाबले खेले हैं और उन्होंने 5 में ही जीत दर्ज की है और टीम के पास 10 अंक हैं।